मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आज हम बनाएंगे जन्माष्टमी स्पेशल थाली। ये व्रत की थाली है। इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे फ्रेश कोकोनट के लड्डू। इसके लिए हम एक कढ़ाई में डालेंगे 3 चम्मच घी, 3 चम्मच घी। गर्म होने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे बादाम कटिंग और काजू कटिंग। इसको हम थोड़ा सा भुनेंगे। ये मैंने 2 फ्रेश कोकोनट लिए हैं, इनको मैंने मिक्सर में ग्राइंड किया है। हम इनको हमारे जो भुने हुए कटिंग है उसमें मिक्स करके अच्छे से भुन लेंगे। इनको आपको करीब 3 मिनट तक भुनना है। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे 100 ग्राम मावा, ये फीका मावा है। इसको इसमें अच्छे से मिक्स करके कम से कम 2 मिनट इसको पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 कप चीनी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा इलायची पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम थोड़ी सी किशमिश मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये रेडी है। इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। हथेली पे थोड़ा सा घी लेके मैंने इसको घी को अच्छे से लगा लिया है अपनी हथेलियों पे। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। गाइस सॉरी फॉर द वीडियो क्लियरिटी, बट मैं नेक्स्ट टाइम इसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ये देखिए हमारे लड्डू बनके रेडी हैं। वीडियो क्लियरिटी के लिए आई एम रियली सॉरी। ये हमारे लड्डू बन गए हैं। अब हम बनाएंगे मेवा खीर, ड्राई फ्रूट खीर। इसके लिए मैंने लिया है 1/2 लीटर दूध, फुल फैट क्रीम दूध है। हम एक पैन में 2 चम्मच घी डालेंगे, 1/2 कप इसमें मखाना डालेंगे, फूल मखाने। उसके अंदर काजू डालेंगे 4-5 बादाम, 4-5 अखरोट, इनको डाल के अच्छे से रोस्ट करेंगे। हमें इन्हें अच्छे से पकाना है, इन्हें अच्छे से मिक्स करें। हमारे दूध में बॉईल आ चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 5-6 किशमिश और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम हमारे जो दूध है उसमें 1/4 कप चीनी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गाइस आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है बिकॉज़ रेसिपीज थोड़ी सी इसमें ज़्यादा है, इसलिए सो प्लीज़ आप पेशेंस के साथ देखिए। इसमें थाली की बहुत ही टेस्टी थाली बनी है। ये आप देखिए हमारे ड्राई फ्रूट बुन चुके हैं। अब हम इसे दूध में मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे हम कम से कम 5 मिनट पकाएंगे। इसके अंदर मैं थोड़ा सा केसर डाल रही हूँ, 2-3 तार केसर के डाले हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। केसर ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना मत डालें, आपके ऊपर है ये टोटली। इसे हम 5 मिनट पकाएंगे। अब देखिए हमारी मेवा की ड्राई फ्रूट खीर बनके रेडी है। अब हम बनाएंगे फ्रूट रायता। इसके लिए मैंने लिया है दही, इसको थोड़ा सा फेटेंगे। इसके अंदर है अनार, पाइनएप्पल, कीवी, कीवी ऑप्शनल है, और एप्पल। ये हम इसमें रायते में मिक्स करेंगे, अनार, पाइनएप्पल, एप्पल, सेब और कीवी। कीवी आप चाहें तो डालें, नहीं खाना चाहते हो तो आप चाहें मत डालें। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अंदर मैं थोड़ा सा सेंधा नमक डाल रही हूँ क्योंकि मैंने ये थोड़ा जो खट्टा मीठा रायता बनाया है तो इसमें थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ।
थोड़ा सा नमकीन टेस्ट आएगा, और इसके अंदर पाउडर शुगर डालेंगे। आप चाहें तो नमक डालें, चाहें तो चाहे मत डालें, आप सिर्फ पाउडर शुगर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये हमारा फ्रूट रायता जो है बनके रेडी है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर 3 से 4 चम्मच घी की डालेंगे। इसमें हरी मिर्ची डालेंगे। ये हम बना रहे हैं सांवक की खिचड़ी, इसके अंदर हम डालेंगे मूंगफली, फिर इसमें हम डालेंगे टमाटर, एक टमाटर कटा हुआ, सेंधा नमक, वाइट वाला जो सेंधा नमक आता है व्रत में खाने वाला, वो काम में लिया है, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और इसमें भुना हुआ जीरा है और ये काली मिर्च का पाउडर है। जीरे और पाउडर को मैंने पीस लिया है। हम थोड़ी सी सांवक लेंगे और इसको धो लेंगे। ये 1/4 कप सांवक है, इसको हम धो लेंगे और हमारे जो टमाटर है उसके अंदर मिक्स करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर हम पानी डालेंगे, करीब 1.5 कप पानी है, और इसे ढक के हम पकाएंगे। बीच में आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ये देखिए अभी ये रेडी नहीं हुआ है। अगर आपको चेक करने के टाइम ऐसा लगता है कि इसमें पानी की थोड़ी और नीड है, तो आप पानी डाल लें इसमें। अब हम इसे थोड़ी देर खुला पकाएंगे बिना ढक्कन के, और इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, सॉरी धनिया डालेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हम घी डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे। ये हम बना रहे हैं पनीर की सब्जी। ये मैंने लिए हैं खरबूजे के बीज, बादाम और 4-5 काजू। इनको मैंने 20 मिनट्स के लिए भिगो लिया है। भिगोने के बाद हम मैं इसे पीस लूँगी, इसका पेस्ट बनाऊँगी। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको पीसा है। ये मैंने दो टमाटर की टमाटो प्यूरी बना के वो ली है। इसके अंदर जीरा और काली मिर्च का पाउडर मिक्स किया है, इसमें सेंधा नमक डालेंगे वाइट वाला, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर जो हमने ड्राई फ्रूट वाली मिक्सचर बनाया था वो ऐड करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑरेंज कलर डालूंगी, क्योंकि हम हल्दी का यूज़ नहीं लेते हैं इसमें, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें ऑरेंज कलर डाला। अगर आप हल्दी खाते हैं तो आप हल्दी का यूज़ ले सकते हैं, मेरे घर में हल्दी टोटली अवॉइड की जाती है। अब इसके अंदर 1 कप पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसमें पनीर के क्यूब्स डालेंगे। इसमें हम थोड़ी सी पनीर डालेंगे। ये मैं एक इंसान के हिसाब से बना रही हूँ, 1 पर्सन की क्वांटिटी के हिसाब से। तो मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है, उसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा पनीर बनके रेडी है। अब हम बनाएंगे राजगीरे के आटे की पूड़ी। मैंने ये लिया है 50 ग्राम राजगीरे का आटा, उसके अंदर मैं मिलाऊंगी 2 आलू, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें पानी मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, आलू से ही हमारा जो आटा है वो बनके रेडी हो जाता है, जो डो है वो बनके रेडी हो जाता है। थोड़ा सा अपनी हथेली पे घी लगाएं और इसे अच्छे से मैश कर लें, मिक्स कर लें। अब एक पॉलीथीन लेंगे, उसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे, अच्छे से हम घी को उस पर फैला लेंगे। अपनी हथेली पे थोड़ा सा घी लगाएं, थोड़ा सा डो लें और इसे अच्छे से गोल कर लें, और पॉलीथीन पे रखकर अच्छे से इसको प्रेस कर लें। धीरे धीरे, बहुत ही हल्के हाथ से प्रेस करना है, वरना ये फटने लग जाती है हमारी जो पूड़ी हम बना रहे हैं। ये देखिए आप, मैं कितने लाइट हैंड से कर रही हूँ। अब एक गिलास की हेल्प से हम इसको काट लेंगे, जिससे ये हमारी परफेक्ट गोल शेप में बनेगी, और हम इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। मैंने ये मूंगफली का तेल लिया है, आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने एक साथ थोड़ा ज़्यादा डो लेके यहाँ पे मैं 3 पूड़ियाँ जो है वो तैयार करूँगी, ऐसे ही सेम प्रोसेस से।
ये देखिए तीन पूड़ियाँ बनके रेडी हैं। इन्हें थोड़ा सा आप हथेली की हेल्प से प्रेस कर लें। एकदम गरम तेल या घी में आप इसको फ्राई करें। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इसे प्रेस करें। हल्के हल्के हाथ से हम इसे प्रेस करेंगे। हमारी जो ये पूड़ियाँ हैं ये ज़्यादा फूलती नहीं हैं, पर ये बहुत टेस्टी पूड़ी बनती है राजगिरे के आटे की। देखिए हमारी पूड़ियाँ फ्राई हो रही है और ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। ये हमारी पूड़ी बनके रेडी है। अब हम बनाएंगे साबुत दाने की टिक्की। इसके लिए मैंने साबुत दाने को 3 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा है। ये 1 कप साबुत दाना है जिसको मैंने 3 घंटे भिगो के रखा है पानी में। आप 3 घंटे बाद साबुत दाने को हथेलियों से अच्छे से पान प्रेस करते हुए इसका पूरा पानी निकाल लें और एक अलग बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर दें। अब इसके अंदर मैं धनिया मिलाऊंगी, हरा धनिया, 1 हरी मिर्ची, 3 आलू, मैंने 3 आलू लिए हैं। इन्हें अच्छे से मैश कर लें। इसके अंदर हम मिलाएंगे नमक, काली मिर्च और जीरा पाउडर। ये क्रश्ड मूंगफली है, पीनट्स। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसकी टिक्की बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हथेली पे थोड़ा सा घी लेंगे और इसे हम गोल टिक्की की शेप देंगे। अच्छे से शेप देंगे हम इसको, थोड़ा सा हल्के हाथ से प्रेस करेंगे। देखिए हमारी टिक्की रेडी है। ये हमारी टिक्की बनके रेडी है। अब हम एक पैन लेंगे, उसके अंदर घी डालेंगे, इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और हमारी टिक्की जो है हम इसमें अच्छे से सेक लेंगे। दोनों साइड से हम अच्छे से टिक्की को सेकेंगे। एक तरफ से सिकने के बाद हम इसे पलट लेंगे। बहुत ही केयरफुली गई है, इसके टूटने का डर रहता है क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती है। अब देखिए हमारी थाली जो है व्रत की जन्माष्टमी स्पेशल थाली बनके रेडी है। आप इसे ट्राई कीजिए और अपने व्यूज़ प्लीज़ शेयर कीजिए। और वीडियो की क्वालिटी के लिए आई एम रियली सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर इसे सॉल्व करूँगी। प्लीज़ आपका पेशेंस मुझे ज़रूर दीजिए। ये देखिए कितनी यम्मी टेस्टी थाली बनी है। प्लीज़ गाइस ट्राई इट, ये बहुत टेस्टी लगेगी। हैप्पी जन्माष्टमी इन एडवांस। Thanks for watching. Please like, comment and subscribe Miss Pooja Cooking.